सुप्रभात कक्षा पांचवी। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ने जा रहे हैं विराम चिन्ह के बारे में। आपके हिंदी व्याकरण में पाठ 12 का शीर्षक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बारे में आज आपको पढ़ना है, जानना है कि विराम चिन्ह क्या होता है, किसे कहते हैं विराम चिन्ह, और विराम चिन्ह के प्रकारों के बारे में जानना है। तो आपको शीर्षक क्या है विराम चिन्ह, विराम का मतलब क्या होता है रुकना। हिंदी भाषा में हम कभी किसी चीज को पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उस समय क्या होता है, कहीं कहीं पर हम रुकते हैं, कहीं तेजी से पढ़ते हैं, किसी शब्दों के ऊपर दबाव लाकर बोलते हैं, किसी को जोश से बोलते हैं, तो ये इन सब को बोलने के लिए बीच बीच में हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वही कहलाता है विराम चिन्ह। अगर विराम चिन्हों का हम प्रयोग ना करेंगे तो पढ़ने में भी जो भी हम पढ़ेंगे वो अच्छे से स्पष्ट नहीं हो पाएगा, और जो हम लिखेंगे लिखा हुआ भी सुंदर दिखाई नहीं देगा, स्पष्ट नहीं समझेगा, हम वाक्य को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, तो उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें देखना है विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो देखिए, लिखते समय बात को स्पष्ट करने के लिए जिन प्रयोग चिन्हों का प्रयोग विराम के रूप में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। क्या बोला कि लिखते समय बात को स्पष्ट करने के लिए जब हम कोई चीज लिखते हैं वो अच्छे से स्पष्ट हो जाए उसके लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग विराम के रूप में किया जाता है, विराम मतलब रुक कर किया जाता है, उन्हें कहते हैं हम विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में आपकी बुक में 8 प्रकार बताए गए हैं, लेकिन आज हम आपको सिर्फ 4 प्रकार बताएंगे। पहला कौन सा, पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा अर्ध विराम और चौथा प्रश्न सूचक चिन्ह। आज विराम चिन्ह के सिर्फ 4 प्रकारों के बारे में आपको जानना है। आप ध्यान से देखिए, ये जो 4 विराम चिन्ह हैं, इन 4 विराम चिन्ह के सामने आप उनके चिन्ह देख लेंगे। पूर्ण विराम कैसा होता है, अल्प विराम कैसा, अर्ध विराम कैसा और प्रश्न सूचक कैसा। तो आपने जाना विराम चिन्ह किसे कहते हैं और विराम चिन्ह के प्रकार, और विराम चिन्ह के जो चिन्ह दिए हुए हैं वो सामने चिन्ह दिए हैं जिससे आप पूर्ण विराम के साथ अपनी भाषा में प्रयोग करते रहते हैं, प्रश्न सूचक भी और इसे भी करते रहते हैं। इसका तो आप ज्यादा जानते हैं, इसलिए आप ध्यान से एक बार और सुन लीजिए विराम चिन्ह की परिभाषा। लिखते समय बात को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग विराम के रूप में किया जाता है उसे कहते हैं हम विराम चिन्ह। अब सबसे पहला क्या है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, वाक्य की समाप्ति, वाक्य की समाप्ति के पश्चात विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं और वाक्य पूरा हो जाए उसके अंत में इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, लता पढ़ रही है, ये हमने एक छोटा सा वाक्य लिखा, अभी पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया, लता पढ़ रही है, तो हम इस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। मतलब विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, वाक्य की समाप्ति पर। जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं और वाक्य जब पूरा हो जाता है तो उसके अंत में हम इस विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ आया कि पूर्ण विराम किसे कहते हैं, वाक्य की समाप्ति पर जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहा जाता है, और ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। दूसरा क्या है, अल्प विराम। वो अल्प विराम किसे कहते हैं, अल्प मतलब होता है छोटा। जब हम उस कम समय के लिए रुकते हैं, लिखते समय या बोलते समय हम कम समय के लिए रुकते हैं और उस समय जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है अल्प विराम। समझ में आया, अल्प विराम किसे कहते हैं, अल्प मतलब छोटा। जब कुछ लिखते समय या बोलते समय उस समय के लिए जो हम रुकते हैं उस समय जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है अल्प विराम। और अल्प विराम का चिन्ह आप देख रहे हैं, अल्प विराम का चिन्ह कई जगह पर प्रयोग किया जाता है, उसके कई नियम हैं आपको बताएं। सबसे पहला इसमें समान शब्दों को अलग करते समय,
एक समान जैसे कुछ शब्द होते हैं ना, उनको जब हम अलग अलग करते हैं उस समय हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए सब्जी, फल है, फूल है, मिठाई है, तो इनको जब हम अलग अलग करके लिखेंगे इन समान शब्दों को, उस समय इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने लिखा में एक
बड़े वाक्य में छोटे छोटे कई वाक्यों को जोड़कर जो बनाया जाता है उसे कहा जाता है अर्ध विराम। ठीक है, एक बड़े वाक्य को छोटे छोटे करते समय उस समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रात हुई आसमान में तारे चमकने लग गए। ठीक है, एक बड़ा वाक्य है तो उसको अलग अलग भागों में बांटने के समय में हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आगे चौथा का प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक ही बहुत आसान, इसको आप शुरू से करते आ रहे हैं। जहां पर प्रश्न किया जाए, जहां पर प्रश्न किया जाए उस समय प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये जो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं कैसे होते हैं, जैसे क्या हो, क्या, क्यों, किसका, कब, ठीक है। और ये अर्ध विराम आपको बता रहे थे, अर्ध विराम का चिन्ह ऐसे होता है और प्रश्न सूचक का चिन्ह ऐसे होता है। तो ये जो क्या, क्यों, किसका, कब, कैसे, ये क्या है, सारे प्रश्न सूचक शब्द है। ये जो प्रश्न सूचक शब्द है कैसे होते हैं, ये प्रश्न सूचक चिन्ह भी वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। अब देखिए पहला क्या लिखा है, शब्द क्या, तुम्हारा क्या नाम है। अगर आपने ऐसे वाक्य लिखा कि तुम्हारा क्या नाम है, इसके बाद दूसरा क्या लिखा है, क्यों, तुम स्कूल कल क्यों नहीं आए, किसका, यह किसका बैग है, कब, तुम कब आए। तो प्रश्न सूचक का चिन्ह आपने देखा और ये भी वाक्य की समाप्ति पर ही लगाया जाता है, लेकिन इसमें हर वाक्य में प्रश्न सूचक कोई ना कोई शब्द होते हैं। जैसे हमने आपको बताया क्या, क्यों, किसका, कब, किस लिए, है ना, तो ये सारे शब्द हैं। तो आज आपने क्या देखा, विराम चिन्ह की परिभाषा, विराम चिन्ह किसे कहते हैं और विराम चिन्ह के आपने चार प्रकार देखे, पहला पूर्ण विराम, दूसरा अल्पविराम, तीसरा अर्धविराम और चौथा प्रश्न सूचक। पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है, अल्पविराम थोड़े थोड़े समय के रुकने के लिए लगाया जाता है, अर्धविराम बड़े वाक्य, एक बड़े वाक्य में कई छोटे छोटे वाक्य होते हैं उनको अलग अलग करने के समय लगाया जाता है, और प्रश्न सूचक प्रश्न पूछने के समय वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे और भाग दो में और अलग विराम चिन्ह आपको हम बताएंगे। धन्यवाद।